students. My name is Heeral Lodhia from JMP English Medium School. As you all know, my subject is science. Kids, we have already completed our chapter number 1. We are proceeding with our chapter number 2, session number 6. Our chapter name is Food and Digestion. Kids, in this chapter, today's topic is microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं और यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं. तो इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. नाउ किड्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट आवर लास्ट सेशंस. सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 एंड सेशन 5. सेशन 1 में हमने क्या किया था? वोकैबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स. सेशन 2 में क्या किया था? आई टोल्ड यू अबाउट टीथ. और सेशन 3 में क्या किया था? टाइप्स ऑफ टीथ. सेशन 4 में स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ और सेशन 5 में डाइजेशन. तो फटाफट से रीकैप कर लेते हैं. किड्स, इन ऑल सेशन व्हाई आई रिपीट ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स? Just because to improve your pronunciation of this chapter. आपकी pronunciation improve हो, इसलिए दीदी सारे के सारे sessions में vocabulary words और meanings repeat करती रहती है. तो in this session I'll read it. Just try to listen and thoroughly आपको याद हो गए हो तो instant आपके दिमाग में उसके meanings जो दीदी ने example के साथ दिए थे वो आपको याद आ जाएंगे. So let's go that. Digestion, permanent, molar, incisor, canine, crown, enamel, dentin, pulp, decay, germs. Now, flossing, microorganisms, cholera, spoilage, decomposition. बीच में आ रहता है ना kids, हमें उसको pronunciate नहीं करना है, हमें उसको थोड़े से silent mode में जाना है, otherwise हमारी pronunciation गलत होगी. Clear? Now meanings. Number 1, permanent, that will no change, इसमें change होता नहीं है. Temporary मतलब not permanent. Now tiny मतलब very small. Decay, be slowly destroyed, धीरे धीरे destroy हो जाता है. Now flossing, to clean between the teeth with a special kind of a thin thread. Thread मतलब दोरो, थ्रीन थ्रेड एक आता है जिससे एक स्पेशल टाइप की ट्रीटमेंट होती है जो टीथ के बीच में से उसको क्लीन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ वेरी स्मॉल टाइनी लिविंग, बहुत ही छोटी टाइनी लिविंग थी. हमारा सेशन 1 का रिकैप खत्म हो गया. नाउ सेशन 2 में क्या पढ़ा था? इट्स ऑल अबाउट टीथ, कि टीथ में क्या है, कौन से टीथ को परमानेंट टीथ बोलते हैं, कौन से टीथ को टेम्पररी टीथ बोलते हैं. टीथ मतलब हम सारे टीथ की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक टीथ की बात करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? टूथ. एक दांत की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? टूथ. परमानेंट टीथ मतलब कि जो हमें लाइफ टाइम तक साथ रहता है, जो आफ्टर 6-7 इयर्स के बाद जो टेम्पररी टीथ होते हैं, मतलब जो 6-7 इयर्स के लिए मिल्क टीथ भी उसे हम बोलते हैं, उसके बाद जिस बात से जो आते हैं उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ. किड्स, परमानेंट टीथ नहीं, व्हाट इज इट? परमानेंट टीथ बोलेंगे हम उसको. मतलब टोटल कितने होते हैं? 32 राइट. और मिल्क टीथ कितने होते हैं सोचो? आ गए 20. राइट आंसर किड्स, टेम्पररी टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं. मिल्क टेम्पररी टीथ को क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ बोलेंगे. परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. तो
ये था अबाउट टी. एट द एज ऑफ थ्री चिल्ड्रन यूजुअली हैव 20 टीथ. थ्री इयर्स तक चिल्ड्रन के पास 20 टीथ नॉर्मली आ जाते. तो ये था टीथ के ऊपर. नाउ इन सेशन थ्री टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे पास कितने टाइप्स के टीथ है सोच लिया? कितने आंसर कितना है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं दीदी? फोर, राइट? फोर टाइप्स के टीथ होते हैं. इंसीजर्स, कैनेंस, मोलर्स, प्री मोलर्स. हमारे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? चार टाइप के. इंसीजर्स, कैनेंस, मोलर्स, प्री मोलर्स. किड्स, अभी इंसीजर्स किसको बोलते हैं? फ्रंट के जो फोर टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंसीजर्स. ऊपर अपर जो लोअर जो, अपर जो में फोर, लोअर जो में फोर. टोटल कितने हुए? एट. नाउ कैनेंस मतलब आफ्टर इंसीजर्स ये जो दो टीथ आते हैं ना, इंसीजर्स के बाद के वन टू थ्री फोर, अपर जो में दो लोअर जो में दो, टोटल फोर. तो उसको क्या बोलेंगे? कैनेंस. नाउ मोलर्स मतलब लास्ट में जो होते हैं. टोटल नंबर्स में कितने होते हैं? 12. सिक्स अपर जो में, सिक्स लोअर जो में. थ्री इस तरफ, थ्री इस तरफ, थ्री इस तरफ, थ्री इस तरफ. लास्ट से जो थ्री लास्ट लास्ट आती है ना उसको क्या बोलेंगे? मोलर्स. थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स 12. तो मोलर्स कितनी हुई? 12. अपर जो में सिक्स, लोअर जो में सिक्स. राइट साइड थ्री, लेफ्ट साइड थ्री, राइट साइड थ्री, लेफ्ट साइड थ्री. टोटल सिक्स प्लस सिक्स 12. तो ये थे हमारे मोलर्स. मोलर्स के आगे के जो टीथ होते हैं ना उसको क्या बोलेंगे? प्री मोलर्स. क्या बोलेंगे? प्री मोलर्स. वो टोटल होते हैं 8. 2, 2, 2, 2. 2 प्लस 2, 4. 2 प्लस 2, 4. 4 प्लस 4, 8. अपर जो में 4, लोअर जो में 4. क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनसीजर? दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ. इनसीजर्स का क्या हुआ क्या कि उसको कटिंग और बाइटिंग मतलब कोई भी फूड को कट करना और बाइट करना किसका काम है? इनसीजर्स का. नाउ कैनिंग्स का क्या काम है? दे आर यूज फॉर टियरिंग टीथ मतलब कोई भी चीज को फाड़ के खानी होती है तब हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? कैनिंग्स. यस. आफ्टर कैनिंग्स मोलर्स. दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड कि अगर फूड को ग्राइंड करना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम फूड खा रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? मोलर्स का. किसका यूज करेंगे? मोलर्स का. नाउ प्री मोलर्स दे आर यूज फॉर क्रशिंग फूड कि वो फूड को क्रश करने के लिए यूजफुल होता है. नाउ I already recapped you about session number 3. Now let's move to session number 4. Structure of a tooth. Kids, दीदी ने आपको इमेज के साथ टूथ की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी, याद है? उसमें आप दीदी ने केस कितने लेयर्स में बोला था? टोटल कितने लेयर्स में थे टूथ? जो टूथ होता है वो टोटल कितने लेयर्स में होता है सोच लिया? याद आया? कितने? पांच लेयर्स? नहीं, थ्री लेयर्स. ओके, तो टोटल कितने लेयर्स में होता है टूथ? थ्री लेयर्स. कितने लेयर्स में? थ्री लेयर्स. फर्स्ट लेयर होता है इनेमल, सेकंड लेयर होता है डेंटिन और थर्ड लेयर होता है पल्प. याद आ गए? अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट लेयर इनेमल, सेकंड लेयर डेंटिन, थर्ड लेयर पल्प. जो व्हाइट कलर का पोर्शन बाहर दिखता है उसे क्या बोलेंगे? इनेमल. बिल्कुल क्राउन जैसा दिखता है, राइट? नाउ उसके नीचे का एक येलो पार्ट जैसा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डेंटिन. द डेंटिन इज द येलो बोन लाइक लेयर फाउंड जस्ट बिलो द इनेमल. एकदम इनेमल के नीचे एक डेंटिन पार्ट होता है जो येलो कलर का होता है. वो एकदम किसके नीचे आता है? किसके नीचे का लेयर होता है? इनेमल के नीचे का लेयर
एक्सट्रैक्ट तो उसे हम क्या बोलेंगे डेंटिन। डेंटिन के नीचे भी एक सॉफ्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे पल। द पल इज द सॉफ्ट सेंट्रल लेयर ऑफ द टूथ, मतलब सेंट्रल मतलब एकदम बीच वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो फील कर सकता है कोल्ड हॉट से सेंसेशन आ जाती है, तो वो एक उसको क्या होता है इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये इसके अंदर क्या होती है नर्व्स और ब्लड वेसल्स किड्स। तो ये आपको वापस से समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। नाउ केयर ऑफ अ टीथ, हम टूथ टीथ की कैसे केयर करेंगे, जैसे वी आर गोइंग टू वॉश आवर टीथ, वी आर गोइंग टू ब्रश आवर टीथ टू टाइम्स इन अ डे बिफोर बेड एंड अर्ली मॉर्निंग, राइट। तो हमारे टूथ में जर्म्स अटैक करेंगे नहीं, अगर रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया तो जर्म्स अटैक नहीं करेंगे, मतलब डीके भी नहीं होगा, मतलब सड़न भी नहीं होगी, और येलो मार्क्स के जो कुछ भी फूड खाया होता है डिस्टर्ब नहीं होगा, हमें कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी किड्स। तो ये समझ में आया आपको। फिर क्या करना है फ्लॉसिंग, जो मैंने बोला था ना कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके समझोगे व्हाट इज फ्लॉसिंग, कैसे करना है, अगर आपको आ भी जाता है फ्लॉसिंग करना उसके थ्रेड लाइक इंस्ट्रूमेंट के साथ डिवाइस के साथ, तो आप किसके सामने करोगे आपके घर के एडल्ट के सामने, कोई भी बड़ा इंसान है आपके घर के घर में मॉम डैड है ग्रैंड मॉम ग्रैंडफादर है तो आप उसके सामने फ्लॉसिंग करोगे। नाउ किड्स टीथ को अच्छी तरह से आपको रखना है मेंटेन करना है हेल्दी रखना है, तब कौन से टाइप्स का फूड खाओगे हेल्दी फूड खाओगे, कौन सा फूड खाओगे हेल्दी फूड, हेल्दी फूड में स्पेशली क्या खाओगे मिल्क एग्स कर्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू मेंटेन योर स्ट्रॉन्ग टीथ, आपके स्ट्रॉन्ग टीथ को मेंटेन भी करेगा और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, क्लियर। फिर क्या करेंगे हम लोग रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे, थोड़े 2-3 मंथ्स के बाद हम डेंटिस्ट को अपने टीथ दिखाएंगे। तो ये थी हमारी नॉर्मल केयर अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्मल थिंग्स, कि हम नॉर्मल थिंग्स में हमें ये केयर करेंगे तो हमारे जो टीथ है वो इजीली अच्छी तरह से हेल्दी मेंटेन रहेंगे, क्लियर। नाउ आई एक्सप्लेन यू सेशन नंबर 4, नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट डाइजेशन सेशन नंबर 5। डाइजेशन में दीदी ने एक्सप्लेन किया था डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है माउथ से, खत्म कहाँ से होता है एनस, मतलब कि जहाँ लास्ट पोर्शन से जहाँ वॉशरूम होता है हमारा कोई भी खाना बाहर थ्रो कर देता है वहां पे हमारी डाइजेशन सिस्टम खत्म होती है। नाउ माउथ फूड इज द च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा इन द माउथ मेक्स द च्यूड फूड सॉफ्टर इजियर टू स्वेल। माउथ का क्या काम होता है किड्स, कोई भी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके सॉफ्ट करके स्टमक में डाल देता है, माउथ में जाने के बाद कहां से जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप में से कहां पे जाता है स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद कहां पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ऐसा खाना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है और बहुत स्टक हो गया है तो वो किसको फूड पास करेगा लार्ज इंटेस्टाइन उसको क्या करेगा कि उसको धीरे धीरे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और सेमी सॉलिड फॉर्म में कर देगा, कौन से फॉर्म में करेगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो फिर इजीली एनस से वो सेमी सॉलिड फॉर्म भी बाहर थ्रो हो जाएगा। तो ये थी हमारी डाइजेशन सिस्टम। नाउ किड्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट रिकॉल यू अबाउट ऑल दिस 3-5 सेशंस, नाउ टुडेस सेशन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको किसी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मैं बताऊं वापस से। Now, microorganisms are tiny living things that cannot be seen through our naked eye. मतलब microorganisms ऐसे tiny छोटे living
जो हम अपनी आईज से बिल्कुल भी देख सकते नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन से इंस्ट्रूमेंट की? माइक्रोस्कोप। किसकी? माइक्रोस्कोप। इतना क्लियर? इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हम अपनी आईज से बिल्कुल भी देख सकते नहीं है। वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट टू सी दैट ऑल स्मॉल टाइनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। हियर आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको दिख रहा है पिक्चर माइक्रोस्कोप का? उससे उसमें आपको जो हॉल जैसा दिख रहा है उसमें हमें आई रखनी है। उसके नीचे बहुत ही छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं जिससे कोई भी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा। उसमें उस टाइप्स के ग्लासेस अटैच होते हैं जिससे कोई भी चीज बहुत छोटी है हमें थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। एन इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ लेंसेस दैट कैन मेक टाइनी ऑब्जेक्ट लुक्स बिग। कि एक लेंसेज उसमें अटैच होते हैं जिससे छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखती है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। क्लियर? आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप? इससे हम कोई भी टाइनी और लिविंग थिंग्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्पॉट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। क्लियर? नाउ देयर आर ब्रॉडली फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? फोर टाइप्स। कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? फोर टाइप्स के। नंबर वन वायरसेस, नंबर टू बैक्टीरिया, नंबर थ्री फंजाई, नंबर फोर प्रोटोजो। कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? फोर टाइप्स के। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजो। क्लियर? आपको समझ में आया कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हार्म अस एंड कॉज डिजीजेस वेयर अदर्स कैन बी यूजफुल। किड्स, आपको पता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो हमारी हेल्प भी करते हैं, और कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिससे हमें डिजीजेस होती है, बीमार हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? तो ये सेशन में था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आज हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो हमारी हेल्प करते हैं, यूज करते हैं, हमें यूजफुल होते हैं। क्लियर? तो नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सुनो क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमें हार्म करते हैं, किस तरह से हमें ध्यान रखना है। ओके? जस्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज टूथ डीके, दे ऑल्सो कॉज डिजीजेस। मैंने बोला था ना लास्ट सेशन में, हमारे जर्म्स जो होते हैं ना हमारे टीथ में, वो अटैक करके टूथ डीके मतलब दांत को सड़ा देते हैं। क्या करते हैं? टीथ को सड़ा देते हैं। तो वो भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हुए ना। तो बिल्कुल उसी तरह से बहुत अलग अलग भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीजेस ला सकते हैं। क्या लाते हैं? डिजीजेस, बीमारियां पैदा करते हैं। समझे? नाउ नंबर वन वायरसेस। हमने बोला ना चार टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजो। मतलब ये चार टाइप के वायरसेस जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस कैसे कौन कौन से डिजीजेस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाते वो देखिए। पहला है वायरसेस कॉज डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, एड्स एंड पोलियो। वायरसेस से कौन कौन से टाइप के डिजीजेस होती है? एक तो कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठंडी लग जाना, ठंडी फील होना और एकदम वीकनेस फील होना, उसमें फीवर भी आ जाती है। एड्स, एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक हमें एक वायरस ही होता है जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और हमें एड्स हो जाता है, तो वो भी एक बुरी बीमारी है, तो हमें ध्यान रखना है। और पोलियो, पोलियो में भी ऐसा होता है कि एक वायरस जो हमारे बॉडी में आ जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या आ जाता है? पोलियो हो जाता है।
में क्या हो जाता है, पोलियो। तो ये थे पोलियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे वायरस से कौन कौन से टाइप्स की डिजीजेस होती है, कॉमन कोल्ड, एड्स एंड पोलियो। क्लियर। नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कोलेरा। किड्स आपको आइडिया है टाइफॉइड में क्या होता है? टाइफॉइड में फीवर आ जाता है, वीकनेस लगती है। तो ये क्या है, एक टाइप के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं जिससे हमें कौन सी डिजीज होती है, टाइफॉइड। टाइफॉइड में फीवर आ जाता है, बिल्कुल वीकनेस लगती है। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, उसमें बहुत खांसी आती है। क्या आती है? बहुत ही खांसी आती, इतनी खांसी आती कि हम थक जाते हैं कॉन्स्टेंटली। तो वो भी एक टाइप का बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है जिससे हमें ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है। एंड कोलेरा, कोलेरा क्या है, इट स्प्रेड थ्रू वॉटर। कोलेरा किससे स्प्रेड होता है? वॉटर से। अगर वॉटर में हमने पानी को अच्छे से क्लीन नहीं किया है, उसमें बैक्टीरिया है, हमने पानी पी लिया, बैक्टीरिया गए अंदर, हमें कौन से टाइप की डिजीज हो जाएगी, कोलेरा जैसी, जिसमें वोमिट भी हो सकती है और बहुत बुरी हालत हो सकती है, डायरिया और ऐसा सब कुछ। तो हमें ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होती है, टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कोलेरा। नाउ फंजाई, फंजाई कॉज डिजीज सच एज लिंगवॉर्म एंड डैंड्रफ। फंजाई से हमें रिंगवॉर्म भी होता है और डैंड्रफ भी होता है। आपको पता है रिंगवॉर्म मतलब एक सर्कल जैसा होता है जिसमें बहुत ही इचिंग आती है, मतलब गुजराती में कहिए ना अपने खंजवाड़ा आवे छे, बहुत ही इचिंग आती है और हम नहीं अच्छे कंफर्टेबल फील करते। हियर आई एम शेयरिंग अ इमेज ऑफ रिंगवॉर्म, आपको रिंगवॉर्म की इमेज दिख रही है, बिल्कुल इस तरह के टाइप का बॉडी में आ जाता है और हम बिल्कुल भी अच्छा फील करते नहीं है। फंजाई जैसा, फंजाई मतलब एक बॉडी में फंजाई खबर चलाते हैं, कोई भी फूड ऊपर फंजाई क्या रहा है, जरा फूड सड़वा बने। तो इसमें क्या होता है कि फंजाई मतलब कि आप हमारी स्किन होती है ना उसमें एक लेयर आ जाता है, जो बिल ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बॉडी को पसंद नहीं है फिर भी हम ने की है, तो इससे इस टाइप की बीमारी हमारे बॉडीज के ऊपर आ जाती है। क्लियर। नाउ डेंड्रफ, डेंड्रफ भी आप हम सबको पता है कि डेंड्रफ किसे कहते हैं, वो भी एक टाइप की डिजीज हुई ना कि हमारे बालों में डेंड्रफ आ जाता है, तो मतलब कि वो एक टाइप का फंजाई ही हुआ। तो हमें ध्यान रखना है फंजाई में कौन कौन से टाइप की डिजीज होती है, रिंगवॉर्म एंड डेंड्रफ। क्लियर। नाउ प्रोटोजो, प्रोटोजो, प्रोटोजो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कौन कौन से टाइप की डिजीजेस होती है, एक तो फूड पॉइजनिंग होती है और डिसेंट्री होती है। क्या होती है? फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजो, प्रोटोजो से कौन कौन से डिजीजेस होती है, पॉइजनिंग, डिसेंट्री एंड मलेरिया। फूड पॉइजनिंग एज वी ऑल नो, हमने कभी भी बाहर का खाना खा लिया और ऐसा कुछ होता है तो हमें फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, वॉमिट होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इतनी कभी कभी इतनी वीकनेस आ जाती है कि हमें हॉस्पिटल में जाना पड़े, एडमिट भी होना पड़े, हमें ग्लूकोज की बॉटल्स भी लेनी पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। नाउ डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या होता है, स्टमक पेन होता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया हो जाते हैं। तो डिसेंट्री में ये सारे के सारे उसके सिम्टम्स है जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोजोस। नाउ मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, एक फीवर होता है, फीवर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोस। ये जो फीवर होता है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, मॉस्किटोस के ऊपर। मॉस्किटोस की वजह से हमें फीवर आ जाता है,
और उसको हम क्या बोलेंगे, मलेरिया। वो एक गंदी बीमारी होती है जिसमें भी हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो हमें क्या होता है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, प्रोटोजोआ, कौन से, प्रोटोजोआ। तो हमें ये सारे के सारे थे हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल मतलब गंदे वाले, जो हमारे बॉडी को यूजफुल नहीं होते बट हार्मफुल, हार्म करने वाले, चोट पहुंचाने वाले। तो किड्स आपको क्लियर है, फटाफट से ये चारों के चारों वापस रीड कर लो, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे आप लोग। नंबर वन, वायरसेस। वायरसेस कॉज डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, एड्स एंड पोलियो। नंबर टू, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कोलेरा। नाउ नंबर थ्री, फंजाई। फंजाई कॉज डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म एंड डैंड्रफ। Now number 4, protozoo. Protozoo cause diseases such as food poisoning, dysentery and malaria. Microorganisms such as bacteria and fungi also cause the spoilage of food. आपको पता है किड्स, बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे microorganisms हैं जो फूड के ऊपर बैठते हैं ना, तो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल कर देते हैं मतलब गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। आपको कभी कभी पता चलता है ना, एक फंगस आ जाती है फूड के ऊपर, खराब थी जाए क्या पची सू था, फिर टेस्ट खराब हो जाता है उसका, गंदी स्मेल आने लगती है। तो ये फूड जो है उसको कौन स्पॉइल करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी कोई भी पूछेगा तो ये आपको कॉमन आंसर आना चाहिए। अगर आपका फूड खराब हो गया है घर पे, तब मम्मा को क्या बोलोगे, मम्मा ये किसने खराब किया, तो के फंजाई और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी इस फूड पे आ जाते हैं तब ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं। क्लियर। नाउ uses of microorganisms, microorganisms का uses भी होते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, हमारी हमारे यूजफुल भी है। चलो कैसे यूजफुल है वो देखते हैं। microorganisms help in the decomposition of dead plants and animals. दीदी अब ये decomposition क्या है, dead plants और animals, kids ये जो हमारे कोई भी फार्म्स होते हैं, कोई भी प्लेन एरिया होता है, ऐसी कोई भी चीज होती है ना जहाँ पे हम लोग वेस्टेज ऑफ कोई भी प्रोडक्ट्स, डेड एनिमल्स और डेड लीव्स को डीकम्पोज करते हैं, मतलब उसके अंदर डाट देते हैं, अंदर उसको डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि उस जो जमीन होती है ना, जो लैंड होती है ना, एक तो वो डीकम्पोज हो जाती है, मतलब कि उसमें अंदर डालने के बाद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज, डेड एनिमल्स, डेड लीव्स होते हैं ना, वो गायब होने लगती है, वो चीज गायब होने लगती है, मतलब गलने लगती है, गड़वा मंडे वस्तु, अने पछी ई इनविजिबल थई जाय। हवे ई गड़वा माटे कोण हेल्प करे छे, तो के आ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो फिर उसमें कैसे हेल्प करते हैं पता है आपको, कि वो जो डेड एनिमल्स है, लीव्स है, प्लांट्स है, कोई भी थिंग्स है ना, उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी वो एब्जॉर्ब करके ये जो सॉइल होती है ना उसको पहुंचाते हैं। तो सॉइल कैसे हो जाती है, फर्टिलिटी वाली हो जाती है और बिल्कुल यूजफुल, यूज करने वाली सॉइल हो जाती है। तो पता चला डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं, कोई भी प्लेन एरिया है, लैंड है, उसमें कोई भी डेड एनिमल्स, डेड लीव्स, उसको अंदर डालना मतलब डीकम्पोज करना। डीकम्पोज किसे किससे होता है, तो के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। वो डीकम्पोज भी हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और ये सब कुछ सॉइल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था हमारा पहला वाला, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ नंबर टू, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट।
यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है नंबर टू में, कि वो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, क्लियर। वो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। नाउ नंबर थ्री, दे हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क जो होता है, मिल्क में से कर्ड बन जाता है। कर्ड मतलब दही, कर्ड मतलब दही। मिल्क में से दही कैसे बनता है दीदी, बिकॉज उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिससे मिल्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। आपको पता है किड्स कि कर्ड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं। कभी माइक्रोस्कोप से देख लिया ना, हम कभी भी कर्ड खा सकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, बट वो अच्छे वाले हैं। हम खाते हैं ना कर्ड, हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होती है ना वो फास्ट होती है, अच्छी हो जाती है, जिससे हमें भूख भी लगती है और वो अच्छी बात है। हम हमें क्या है, कर्ड खाना है, भले उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो बट वो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कैसे अच्छे वाले, तो हम फूड कर्ड को बिंदास खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दे आर यूज टू मेक फूड आइटम्स सच एज ब्रेड। किड्स, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो ब्रेड बनाने में भी हेल्प करते हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा कि कैसे ब्रेड यीस्ट से बनती है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और कैसे बनती है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, स्टैंडर्ड फिफ्थ में। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ब्रेड का, ब्रेड की फॉर्मेशन किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, क्लियर। तो ये थे हमारे अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, भी आपको क्लियर है। दीदी फटाफट से एक बार रीड कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द डीकंपोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। नंबर टू, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट। नंबर थ्री, दे हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। लास्ट वन, दे आर यूज टू मेक फूड आइटम्स सच एज ब्रेड। क्लियर। नाउ किड्स, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और कौन से टाइप की डिजीजेस होती है, और इसमें क्या यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इजंट क्लियर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, होप सो यू लाइक दिस सेशन, आपको मजा आएगा इस सेशन में, होप सो आई होगा कि इसके साथ एक होमवर्क की वर्कशीट आएगी, ट्राई टू कम्प्लीट बाई योर ओन, होप सो आ जाएगा। आपने ये सेशन अच्छे से सुना होगा तो आपको इजीली आ जाएगा। तो किड्स, टिल देन बाय बाय।